हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे किसी भी स्केलर का, किसी भी टिकॉन का डिटेल्स कैसे निकालें। सारे के सारे उसका पीडीएफ मैं आप लोग आज सब पीडीएफ डाटा जो होता है मैं आप लोगों को निकाल के पूरा करके दिखाऊंगा। इसमें बस 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए, सारा का सारा मैं आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगा। जैसे आप लोगों के दिखाई दे रहा होगा, ये 43 का LG का टिकॉन है, इसका निकाल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली में किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ मॉडल नंबर देख पा रहे होंगे, ये हमारा ये मॉडल नंबर है, ये यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा मॉडल नंबर है। ये तो इस टाइप से ये जो है, ये इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को सीधे गूगल पे जाएंगे और इस मॉडल नंबर को गूगल पे जाके कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। या सीधे आ जाएंगे और अब आप यहाँ गूगल पे आ जाएंगे और ये गूगल पे आके सीधे जो है मैं यहाँ सर्च किया हूँ ये आ जाएगा। ये आने के बाद इसमें क्या है कि इसमें डाटा शीट लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये डाटा शीट हमारा PDF वो अपने को मिलेगा। यहाँ आगे हमारा डाटा शीट पर हम लोग क्या करेंगे, सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जैसे आते हैं यहाँ नीचे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पैनल लुक.com आ गया, पैनल लुक.com। तो पैनल लुक.com पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे, एक्चुअली में थोड़ा नेट लगता है स्लो चल रहा है। और यहाँ आ जाएंगे, अभी खुल ही रहा है, नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसा दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हमारा पैनल लुक.com है, ये पैनल लुक.com यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पैनल लुक.com तो ये बिल्कुल खुल चुका है। तो ये भी ये जो हमारा है, तो अभी इसमें क्या करेंगे कि नीचे स्क्रॉल करके हम लोग बहुत सारा डाटा इसका देख सकते हैं, जैसे कि हमारा पैनल टाइप क्या है, ASTFT LCD वगैरह। इसमें देख सकते हैं हम लोग कि इसमें हमारा पिक्सल कितना, ये पिक्सल क्या है, पिक्सल का मतलब पिक्सल फॉर्मेट का मतलब हमारा होता है कि इसका रेजोल्यूशन क्या है, जैसे Full HD है ये, इस टाइप से देख सकते हैं। इसका साइज़ देख सकते हैं, आउटलेट साइज देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, ये चेक कर सकते हैं। इस टाइप से इसका रेशियो क्या है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल का रेशियो क्या है, इस टाइप से सारे के सारे यहाँ डिटेल्स हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो अभी यहाँ नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद सारा सारा करेंट आउटपुट इन सिग्नल इंटरफेस इस टाइप से सारा का सारा चेक कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, एक्चुअली ऊपर चला गया, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ यहाँ देख पा रहे होंगे डाउनलोड का ऑप्शन है और ये है हमारा PDF, इसका पूरा डाटा का सीट। तो यहाँ मैं करता हूँ डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और अभी ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद देखिए क्या मांग रहा है, यूजर नेम और मेल ID। तो आप लोग यहाँ देख कर अपना और डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक और मेथड बता दूँ, बैक आएंगे, बैक आने के बाद क्या करेंगे, किस साइट, ऐसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हाँ मैं सर्च करना है और साइट मैं ऐसा बता रहा हूँ जिसमें आप सीधे के सीधे किसी कोई मेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे के सीधे डाटा नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आप लोग। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे dataSheet4u.com, इसको क्लिक करेंगे, इस साइट पे जाएंगे और इस साइट जैसे खुल के देखिए, देखिए आपका यहाँ पार्ट नंबर जो है हमारा आ गया। और यहाँ जैसा आप लोग देखेंगे इस मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स भी दिया है। और यहाँ जो PDF आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ 2 PDF है, एक ए और एक ए, तो ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो इस जो हमारे यहाँ PDF है, इस PDF पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ये PDF पे क्लिक किया और आगे आएंगे और आगे इस टाइप से आपका जो है खुलेगा, इस टाइप से खुलेगा। तो फिर आप लोगों को इस यहाँ क्लिक करना है और ये जैसा देख पा रहे होंगे PDF डाउनलोड के लिए। और मैन्युफैक्चर और यहाँ जो है हमारा मॉडल नंबर भी दिया है, लोगो भी दिया है, मतलब इस किस कंपनी का है, तो LG का है तो जानते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं। इस क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या होगा, ये अब अभी डाउनलोड होने लगा, अभी कुछ टाइम वेट करेंगे या फिर आप लोग यहाँ सीधे डाउनलोड में जाके यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये जो हमारा यहाँ है, ये हमारा डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद अपने आप ओपन हो जाएगा। तो अभी 9 सेकंड लेफ्ट हुआ है, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, 3 सेकंड हो गया, 1 सेकंड, अभी ये ओपन हो, देखिए अपने आप ओपन हो गया।
तो इस टाइप से किसी को भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी स्केलर हो। देखें ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ कि डाउनलोड हो गया, तो जैसा LG डिस्प्ले जैसा देख पा रहे होंगे इस टाइप से। तो ये सारा का सारा हमारे पास ये कंटेंट कंटेंट ये पूरा कंटेंट लिस्ट आ गया है। ये सारा का सारा नंबर दिया है, पेज नंबर दिया है, कि कोई भी इस टिकॉन से रिलेटेड कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो इस टाइप से आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। तो अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम लोगों को क्या चाहिए था, ये सारा का सारा डिटेल से देखिए हैं आप लोगों का यहाँ सब कुछ। ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ये ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ TFT LCD कैसे, टाइमिंग कंट्रोलर, EEPROM, पावर सर्किट, ब्लॉक डायग्राम के टाइप से हम लोगों को समझाया है, तो थोड़ा समझने में आसान होता है। तो इस टाइप से आ जाएंगे इधर, और हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ती है, पिन नंबर। पिन नंबर पे कौन से पिन नंबर पे क्या चीज़ है, तो इस टाइप से नीचे आएंगे तो आप लोगों को देखिए यहाँ आप लोगों को मॉड्यूल कनेक्शन पिन कॉन्फ़िगरेशन ये मिला है। ये देखिए ये सारा का सारा यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा पिन नंबर है, ठीक है। और ये सिंबल दिया है NC ग्राउंड, जैसे एक नंबर पे NC है, ग्राउंड है, इस टाइप से NC का मतलब नो कनेक्शन होता है। तो इस टाइप से 2 3 4 5 6 7 छः तक नो कनेक्शन, और साथ पे देखिए यहाँ साथ पे, यहाँ ये बहुत काम की चीज़ है। काम की चीज़ इसलिए है क्योंकि इसी के लिए हम लोग करते हैं, जैसे कि इस टाइप से ये जहाँ यहाँ देख पा रहे होंगे जो 7 नंबर है हमारा, ये 7 नंबर, 7 नंबर पे LVDS सेलेक्ट दिया है, जेडा और वीजा। अक्सर जो भी हम लोग इसका सर्च करते हैं टिकॉन का, या फिर जो हमारा LVDS है, LVDS टिकॉन स्केलर जो भी है, और LVDS सेलेक्ट के लिए जैसे मैपिंग के लिए हमेशा यूज करते हैं, तो ये हमारा जेडा हो गया, ये हमारा वीजा हो गया। हाई हाई पे करेंगे तो जेडा हो जाएगा, हाई का मतलब होता है 3.3 वोल्ट, और एल का मतलब होता है ग्राउंड, ठीक है। तो वीजा हो जाएगा, यानी कि ये मैपिंग चेंज करने के लिए वो होता है। तो इस टाइप से आप लोगों के यहाँ देख पा रहे होंगे सारे के सारे पिन दिए हुए हैं, सारे के सारे। ये जो एक कॉन पिन होता है हमारा Full HD, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा एक कॉन पिन होता है Full HD, इस टाइप से सारे के सारे यहाँ दिए हुए हैं। तो इस टाइप से जो भी है हम यहाँ से सारे के सारे पिन को चेक कर सकते हैं। और भी डिटेल्स चाहिए तो इधर सारे के सारे ये नीचे हमारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो इस टाइप से मैं आप लोगों को बस बताना चाह रहा था, तो ऐसे सभी के सभी किसी भी स्केलर या टिकॉन में सारा का सारा डिटेल्स ऐसे निकाल सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट पे जाके। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।